या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक या भौतिक सांसारिक, इंद्रिय तृप्ति हो रही है या इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है। नहीं, रूखा सूखा खाने की जरूरत नहीं है आपको। आप 56 प्रकार के शुद्ध व्यंजन बना के भगवान को अर्पण कीजिए, अरदास कीजिए और प्रेम से खाइए संतुलित भोजन। तो भगवान की सेवा में जब आपकी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां लग जाएंगी तो पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगी। और संतुष्टि का कोई मार्ग नहीं है संसार में। इंद्रिय किसी की संतुष्ट नहीं हुई, नहीं तृप्त हुई। तृष्णा मिटी ही नहीं किसी की। ये महापुरुषों के शब्द हैं, वाक्य हैं। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। ये तृष्णा संसार की नहीं मिटती। आदमी मर तो जाता है लेकिन तृष्णा नहीं मिटती। जैसे रेगिस्तान के अंदर धूप के अंदर एक मृग प्यासा दौड़ता है ये जान करके कि वो पानी भरा दूरी पर, दौड़ता जाता है दौड़ता जाता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। वो तो मृग मरीचिका है, भ्रम है। वो सूर्य की किरणें, तेज किरणें बालू के रेत के कणों में ऐसे चमकती और उसकी वाइब्रेशन से हिलती नजर आती है ये पानी हिल रहा हो, पानी में लहरें उठ रही हो दूर। तो हिरण दौड़ता है, भागता है, भागता भागता वहां जाकर देखता है पानी नहीं है, लेकिन आगे फिर नजरें पसारता है, फिर उसको वही पानी भरा हुआ नजर आता है, फिर दौड़ता है दौड़ता है। ऐसे दौड़ता दौड़ता मर तो जाता है, प्राण त्याग देता है, लेकिन उसकी प्यास तृप्त नहीं होती। ऐसे ही संसार है। नहीं, आपकी इंद्रिय तृप्ति, मन की तृप्ति, आपकी आशाओं की तृप्ति, आपकी तृष्णा जब ही बुझेगी जब आप भगवान की सेवा में होंगे, भगवान की शरण लेंगे, इससे पहले नहीं। भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं, उन्हीं के सारा खेल है, अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंश अवतार हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु महाविष्णु ये सब उनके अंश अवतार हैं। कृष्ण को सभी शास्त्रों ने परमेश्वर नारायण वासुदेव कह के बोला है। वसुदेव जी के पुत्र बनकर वो प्रकट हुए इसलिए उनका एक नाम वासुदेव भी पड़ा है। इसलिए भगवान की सेवा में होना बहुत जरूरी है। शोचम, तो हमारा आहार जब शुद्ध होगा तो हमारे मन की भी पवित्रता हो जाएगी, बुद्धि की भी पवित्रता हो जाएगी। आपका जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आपके वश में आ जाएगा। आपकी इंद्रियां जब शुद्ध हो जाएंगी तो आपके वश में आ जाएंगी। अशुद्ध इंद्रियां, अशुद्ध मन वश में नहीं आता। जिस मन की आदतें बिगड़ गई हैं, चैन स्मोकर बना हुआ है, ड्रंकार्ड बना हुआ है, चोर बना हुआ है, उचक्का बना हुआ है, व्यभिचारी बना हुआ है, कैसे आप वश में करोगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अर्जुन के हृदय में एक प्रश्न उठा कि चंचलम ही मना कृष्ण, ये तो बड़ा चंचल है कृष्ण, ये तो बलपूर्वक विषय भोगों में नहीं जाता है, इसलिए इसको वश में करना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। जैसे कोई वेगवती वायु को कोई वश में करना चाहे, ठीक वैसे ही भगवान ने कहा कि बिल्कुल सही बोला है, जिसका मन इतना चंचल हो गया है संसार में वो बड़ा दुष्कर है उसको वश में करना।
लेकिन भगवान ने उसकी योग युक्ति बतलाई कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास इन तु कौनते वैरागेण च गृहते। अर्जुन अभ्यास करो इसको वश में करने का और ये भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, ये भोग विलासों से दूर हटने लगो। अभ्यास करो स्टेप बाय स्टेप, कट टुडे सिगरेट, कट नेक्स्ट डे वाइन विस्की रम, कट थर्ड डे बियर, कट फोर्थ डे कोको कोला, जस्ट ड्रिंक द निर्मल जल, शुद्ध पानी पीजिए, पानी से खून बनता है, आपका सारा शरीर प्रसन्न होता है पानी पीकर, और कोई वस्तु नहीं है। जूस पी लीजिए, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, सो मेनी जूस, जूस पी फल खाइए। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, वीर्य ब्लड शुद्ध होते हैं, वो व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, इंद्रिय भी शुद्ध होती हैं, तो वश में आसानी से आ जाती हैं। ऐसे ही जैसे कोई अपने पालतू कबूतर को पकड़ करके पिंजरे में कर देता है, ठीक है सी, या आप अपने पालतू कुत्ते को जो चैन से खोल दिया है घूमने फिरने दौड़ते हुए को आप एक विशिल बजा करके, एक सीटी बजा करके पास बुला के और वापस चैन गले में डाल सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, ठीक वैसे ही ये मन की भी दशा वही है। आपने इसको चैन मुक्त कर दिया है, अब ये दौड़ रहा है उधर से उधर, इधर से उधर, दूसरे कुत्तों को सूंघता हुआ, विशिल मारिए आपके पास आ जाएगा, आप चैन डाल दीजिए अपने वश में, ठीक ऐसी आपका मन वश में आ जाएगा। जब ये शुद्ध होगा, इसको बराबर से आपने शुद्धता पर ले गए होंगे, शुद्ध किया होगा इंद्रियों को भी, इंद्रिया भी, मन भी एक इंद्रिय है, छठी इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रियों के बाद छठा मन का ही नंबर है। तो ये सब शुद्धिकरण का सवाल है, और ये शुद्धिकरण तभी आता है जब आपका आहार शुद्ध हो, आपकी रसना भगवान का प्रसाद खाए, भगवान को अर्पण करके पूरा परिवार भोजन करे, अतिथि को खिला करके आप खाएं, पहले नहीं, आपके घर में अतिथि बैठा हो तो उसको पहले खिलाइए, बाद में आप खाइए। कोई भूखा दरवाजे पर आ गया हो उनको खिलाइए, तो रसना वश में हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी भगवान के प्रसाद से, फिर वाणी भी हरि के गुणगान करेगी, लैला मजनू के किस्से नहीं, लैला मजनू के किस्से तो इतने बुरे नहीं है, लेकिन बहुत नीचे तक उतर के ये वाणी जो है बकने लगती है, कभी गाली देने लगते हैं एक दूसरे को, निंदा करते करते सारा दिन निकल जाता है, जिससे मिले उसी से किसी न किसी की निंदा कर ही बैठते हैं। भाई ये निंदा घृणा और ईर्ष्या ये तो रजोगुण और तमोगुण से प्रकट होती है, यदि व्यक्ति के अंदर रजोगुण और तमोगुण अधिक होगा तो क्या करेगा, वो निंदा करेगा दूसरों की अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए कि मैं देखो सच्चा हूं, घृणा करेगा नफरत करेगा अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, फिर जलन करेगा दूसरे का बंगला देख करके, प्रॉपर्टी देख करके, कार देख करके, सुंदर स्त्री देख करके, सुंदर गहने देख करके, सुंदर क्वालिफिकेशन देख करके उसको जलन पैदा होगी। तो ये क्या होती है जलन, क्योंकि आपके अंदर कूट कूट करके रजोगुण और तमोगुण समा गया है, उनके लक्षण है, रजोगुण और तमोगुण की भूमि में से ये अंकुर निकलते हैं,
घृणा के, नफरत के, जलन के, जिस व्यक्ति के हृदय में सतोगुण हो, जिसका मन बुद्धि सतोगुणी हो, जिसका अंतःकरण सतोगुणी हो, सतोगुण प्रबलता पर जिसके पास है, रजोगुण तमोगुण जिसने दबा दिए हैं, नीचे दफन कर दिए हैं, कब्र में दफना दिए हैं, केवल सतोगुण में रहता है, उस व्यक्ति के अंदर विशेष दैवी संपदा प्रकट होती है, दैवी गुण प्रकट होते हैं उसके अंदर, दया प्रकट होती है, करुणा प्रकट होती है, दया मित्रता प्रकट होती है, मुदिता प्रसन्नता प्रफुल्लितता प्रकट होती है। तो ये अभय प्रकट होता है। सत्वगुणी व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ संपदा होती है। ये भौतिक मिट्टी पत्थर सोने की बात नहीं है, ये संपदा तो वो है जो आपकी सदैव रक्षा करेगी और आगे से आगे ऊंचे लोकों में और भगवान के धाम तक ले जाएगी। आपकी तरक्की ही तरक्की होगी, आपका पतन नहीं होगा। शौच 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 मानी पवित्रता, पवित्रता ही तो परमेश्वर को प्राप्त करती है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, वो परम शक्ति परम पवित्र है, पवित्रता शासन करती है। प्योरिटी इज द फोर्स ऑफ एवरीथिंग। प्योरिफाई योर सेंसेस माइंड योर कॉन्शियसनेस। बट हाउ, कैसे आप पवित्रता को प्राप्त होंगे? तो उसमें बतलाया जा रहा है कि आप आहार शुद्ध कीजिए, तो भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को अर्पण करके हाथ जोड़ करके कि आओ मेरे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आप पहले पाइए। उस प्रसाद को खाने से आपकी रसना संतुष्ट हो जाएगी, परम संतोष मिलेगा। सोच के बाद में दूसरा स्टेप संतोष ही है। संतोष तभी आएगा आपको जब आप भगवान को संतुष्ट कर देंगे। जब व्यक्ति दूसरों को खिला के खुद खाता है तो बड़ा संतोष मिलता है, खुद ही पकाता है खुद ही खाता है, भगवान कहते हैं वो तो पाप खाता है, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, वो तो पाप खाता है। दूसरों को खिला के खाना, परमात्मा को भोग लगा के खाना, तो आपकी रसना वश में हो जाएगी, फिर ये नहीं भागेगी इधर उधर। फिजूल की बातों में नहीं उलझेगी, फिजूल के स्वाद नहीं करेगी जो आपको फंसाते हैं संसार में। शुद्ध भोजन भगवान को अर्पण करके प्रसाद स्वरूप से आप खाइए। प्रसाद मानी भगवान की कृपा। प्रसाद का संस्कृत का अर्थ है भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता। भगवान प्रसन्न होके वस्तु को आपको दे रहे हैं, ये प्रसाद है। प्रसाद को इसलिए प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए। कोई बोले कि लो प्रसाद लाइए जी, भगवान की प्रसन्नता आ रही है। ऐसे दूसरी इंद्रियां हैं, आंखों को वश में करना है भगवान के दर्शन करके, संतों के तीर्थ धामों के, गंगा जमुना सरस्वती पवित्र नदियों के स्थानों के दर्शन करके, शुद्धता के दर्शन करके। ये भगवान की शुद्धता सर्वत्र बिखरी हुई है, चांद तारों में, सूरज में, सूरज की किरणों में, ओस के कणों में उसकी पवित्रता है। ये हरियाली भगवान की, ये पहाड़, इनके दर्शन कीजिए, ये भगवत स्वरूप आए, आपको पवित्रता मिलेगी, आपके नेक चक्षुओं को पवित्रता मिलेगी। कानों से हरि का नाम सुनिए, हरि की कथाएं सुनिए, उनकी दिव्य वार्तालाप सुनिए, कहीं एकांत में शांति बैठ जाए
तो भगवान के गान सुनिए, भगवान के भी गान चल रहे हैं इस ब्रह्मांड में। हवाएं ले लेके आ रही है नए से नए, ताजा म्यूजिक, ताजा गान, उनको सुनिए। योगी पुरुष अनद की नाद सुनते हैं, अनद धुन सुनते हैं, अनाथ नाद जो बिना ठोके आवाज आती है, ब्रह्मांडीय आवाज, अंतरिक्ष में से आवाज आती है। रात में ध्यान लगा के योगी लोग अनाहत नाद सुनते हैं, मेघ नाद, अनेकों नाद, घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा, ताल, मृदंग, नगारी, साधो अनद की धुन नारी। आसन पद्म लगाकर कर से मूंद कान की बारी, झीनी धुन में सुरत लगावा होत नाद जनकारी। पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी, घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा, ताल, मृदंग, नगारी। दिन दिन करत नाद जब बिकसे, काया कंपित सारी, अमृत बूंद झरे मुखमाई, योगी जन सुखकारी, साधो अनद की धुन न्यारी। जीता मरे मरा फिर जीवे, ये समाधि है। जीता मरे मरा फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी, ब्रह्मानंद लीन मन होकर, देखी बात हमारी, साधो अनद की धुन्यारी। भगवान की बांसुरी बज रही है, सदैव बांसुरी बज रही है, लेकिन कोई सुने तब ना। हम तो कुछ और सुनते हैं, ये सुनना चाहते हैं, नहीं, कानों को शुद्ध शब्द दीजिए, भगवान की लीला कथाएं, आध्यात्मिक पुस्तकों का उच्चारण करके अध्ययन करने से भी कान तृप्त हो जाते हैं। गीता, भागवत, पुराण, एक से एक भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भरी हुई है शास्त्रों में। गुरु ग्रंथ साहब या 36 महाप्रकाश में संतों की वाणी है, शब्द है, ज्ञान है। ऐसी वस्तुओं का भोजन कानों को देना चाहिए, आहार देना चाहिए, संतों का स्पर्श, उनके चरणों का स्पर्श, धामों का स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय तृप्त होती है। अमरीश महाराज संतों के, भगवान के भक्तों का आलिंगन करते थे, और किसी का नहीं। भक्तों का आह्वान करते थे, उनको आमंत्रित करते थे, महलों में सुंदर प्रसाद खिलाते थे, उनके शरीरों का आलिंगन, उनके चरण धोते थे, चरणों का स्पर्श करते थे, फिर उनका आलिंगन करते थे और गदगद हो उठते थे। ये स्पर्श है, ये शुद्धता है, पवित्रता है, ये शौच है, शौचम पवित्रता। जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपकी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि भी, चित्त भी, तब आप इनको आसानी से अपने कंट्रोल में, अपने कहे में रख सकते हैं। फिर आप, आपके कहे अनुसार चलेंगे, आपकी स्वीकृति बिना ये कदम भी आगे नहीं रखेंगे। यदि आपने बोल दिया कि नहीं तो नहीं, वो नहीं जाएंगे। आपने बोला कि 5 मिनट ठहर जाइए तो ठहर जाएंगे। उनको पूर्ण तसल्ली होगी कि हमारे हित के लिए, ठहरने के लिए बोल रहे हैं। पवित्रता का बड़ा भारी योगदान है, चाहे भक्त हो या योगी पुरुष या ज्ञान योगी, सबके जीवन में पवित्रता चाहिए। पवित्रता बिना क्या मिलेगा आपको? अगर गंदगी है हमारे अंतकरण में, गंदगी है हमारे माइंड, हृदय में, माइंड में, तो गंदे स्थान हमको मिलेंगे, गंदे ही संगत मिलेगी, गंदे ही हमारे खान पान होंगे, गंदा ही हमारा व्यवहार होगा, सब कुछ तो गंदा ही होगा। नहीं, हमको रिफाइंड करना है अपने आप को, हमको प्योरिफिकेशन करना है। हमारे जन्म जन्म से ये परतें लगी हुई हैं, जंक लगी हुई है, इसको रगड़ रगड़ के छुड़ाना है, हमारी भावना को शुद्धता में दर्शाने के लिए, शुद्धतम बनाने के लिए। या कहिए कि बुरे विचारों की कलुषित धूमिल, धुआं दूसरी, तो ये बादल जो छा गए हमारी पवित्र भावना के ऊपर, इनको हटाना है हमको।
किसी भी तरह से, इनको हटाए बिना हमको कुछ दिखता भी नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना, किससे कैसा व्यवहार करना है कैसा नहीं करना। नहीं कोई दुष्ट आदमी है तो उसका आप उपेक्षा भी कर सकते हैं, यह भी स्वीकृति दी है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो आपकी साधना में आपकी पवित्रता में आपके शुद्ध विचारों में बाधा बने उसको आप उपेक्षा कर सकते हैं, उसकी कट कर सकते हैं अपनी अपने मार्ग से, इग्नोर कर सकते हैं, उसके ओर से नहीं निकलिए दूसरी तरफ से चले जाइए। किस मार्ग में एक दुष्ट आता है और वो मेरी योग साधना में दखल देता है, मुझे परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है, उसको इग्नोर कीजिए, इस शास्त्र का कथन है, उपेक्षा कीजिए उसकी, मैत्र मित्रता कीजिए, करुण दया कीजिए सभी के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर मित्रता कीजिए, सबके हितैषी बनिए, मुदिता खुद प्रसन्न होइए और दूसरों को भी उस प्रसन्नता को बांटिए, और जो कोई दुष्ट हो क्रूर हृदय का हो उसको इग्नोर कीजिए, वरना वो बार बार आपको बाधा बनेगा, कोशिश करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि वो कुछ सुधार पैदा करता है अपनी आदतों में, नहीं करता तो उसको इग्नोर कीजिए, उसकी उपेक्षा कीजिए, इससे आपको सुख मिलेगा और आपकी साधना आगे बढ़ेगी। शोचम पवित्र हुए बिना उस पवित्र को कैसे प्राप्त करेंगे, पवित्र हुए बिना पवित्र धाम आपको कैसे मिल जाएंगे, सिर्फ कहने मात्र से कि लाला जी स्वर्गलोक पधार गए, कर्म तो किए नहीं स्वर्गलोक के, स्वर्गलोक कैसे पधार गए, या चिट्ठी में लिख दिया कि पिताश्री बैकुंठ चले गए हैं पधारना, पिताजी ने जीवन भर काम किए हैं मलिन तो बैकुंठ कैसे चले जाएंगे, बैकुंठ तो पवित्र आत्मा जाती है, जिसने अपना प्यूरिफिकेशन कर लिया है, जिसने अपनी भावना को भगवत मय बना लिया है, कृष्णा कॉन्शियस हो गए हैं, वो व्यक्ति भगवान के धाम की ओर जाते हैं, दूसरे कैसे जाएंगे। शोचम ये नियम के अंदर है, नियम के भी पांच अंग हैं, जो यम के पांच अंग बतलाए ऐसे नियम के भी पांच अंग है, पहला है शोचम, तो आप पवित्र बनिए विचारों से भी तन से भी अंतःकरण से भी, हरि का नाम इसमें बहुत मदद करेगा, हरि का नाम से सारे पाप जल जाते हैं, सारे मैल कट जाता है और आदमी पवित्र बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा था आपको समय थोड़ा भी हो तो आप इन उंगलियों पे गिन गिन के भी अगर आठ बार, ये बारह उंगलियों के पूर्वे हैं, बारह आबारह 108 हो जाए, एक माला पूरी नाम जप हो जाता है, एक पूर्वे पर एक मंत्र जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तीसरा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आप करके तो देखिए, मैंने एक प्रवचन माला में आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, एक दिन तो करके देखिए आपका दिन कितनी प्रसन्नता से निकलेगा, और दूसरा दिन अपने आप आपको कहेगा कि आज भी करूंगा, आपका मन ही कहेगा, भगवान के नाम से पाप कटते हैं, पाप धुलते हैं, मैल कटता है हमारा, हम पवित्र बनते हैं, हम पवित्र बनते हैं। ये सबसे मंगल करने वाला नाम, पवित्रों में अधिक पवित्रता देने वाला भगवान का नाम है। भगवान के अनेकों नाम हैं, जहां आपको जो नाम अच्छा लगे उस नाम को पकड़ के नाम लीजिए। बहुत से लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय
माला जप करते हैं, बहुत से राम की माला जप करते हैं। राम भी उस परमेश्वर का नाम है। अयोध्यापति राम ये उस राम के ही अवतार हैं, उस परमेश्वर के ही अवतार हैं। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, नारायण कहो, उसके ही अंश अवतार हैं अनेकों राम। अयोध्यापति राम अंश अवतार हैं भगवान के, उस पूर्ण कला अवतार के अंश अवतार हैं, कृष्ण के अंश अवतार हैं। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम् तमाम भजामि। ब्रह्मा जी की ये श्लोक है ब्रह्म संगीता के अंदर कि राम आदि अनेकों अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। अक्रोध भुवनेशु किंतु कृष्णा स्वयं संभवता परमापमानयो, भगवान श्री कृष्ण परमापमान परम पुरुष है, अवतारी पुरुष है, इन्हीं से सब अवतार निकलते हैं। एकम कृष्णम देव एकम कृष्णम सर्व देव देवात्मा आत्मम वासुदेवश जाको जान अभिव। नानक जाका दास है सोई निरंजन देव, आप ही गोपी आप ही काना आप ही गाय चरा धेनु चरावन गान धेनु चरावत बाना। धन धन रोमा मेघावली जय ओडे कृष्ण कामली, धन धन वृंदावन जहां खेले श्री नारायण। ये महापुरुषों के वाक्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है, गोविंद है, गोपाल है, वो परम शक्ति है, परमेश्वर है, उन्हीं को अनेकों नामों से बोला जा रहा है अनेक धर्म ग्रंथों में और अनेक भाषाओं में और अनेक ब्रह्मांडों में अनेक धरतियों पर, एक नाम तो नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत है उनकी कथा भी अनंत है, अनंत इसीलिए कहा है कि उनके नाम अनंत है, वो भी अनंत है, वो सर्वत्र है, अपनी एक स्थान में अपने धाम पर रहते हुए भी, और वो सर्वत्र व्याप्त भी है अपनी शक्तियों के साथ, अपनी ऊर्जाओं के साथ, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, भगवान की तीन शक्तियां प्रमुख हैं, वो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो सुंदर स्वरूप सर्व ऐश्वर्य प्रधान भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन धाम में परम पुरुष के रूप से वहां पर सदैव अपनी लीलाएं दिव्य लीलाएं अपने शुद्ध भक्तों के साथ करते ही रहते हैं। जीवन इतना सा ही नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जीवन बड़ा विस्तार पूर्वक है इस संसार में, इन ब्रह्मांडों में अनेकों पृथ्वियां हैं, एक से बढ़कर एक है। पद्म पुराण के अंदर कहा है कि 400,000 प्रकार के तो मनुष्य जाति केवल मनुष्य है, मनुष्य जाति 400,000 प्रकार, तो यहां तो 400,000 प्रकार नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन अनंत धरती है, अनंत ब्रह्मांड है। भगवान की लीला को पूर्ण रूप से नारद भी नहीं जान सका, बड़े बड़े सप्तऋषि नहीं जान सके, चतुर कुमार नहीं जान सके, तो फिर इस संसार में फंसे हुए जीव बिना पवित्रता के, जिनके इंद्रिय पवित्र नहीं है, मन बुद्धि पवित्र नहीं है, उस नारायण को उस गोविंद को कैसे पहचाने भला? उसके लिए तो पवित्रता चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए, पवित्र आंगन चाहिए जिसमें प्रभु पदार्पण कर
और अपने विषय में खुद ही कुछ बखान करें, जैसे अर्जुन को कह रहे हैं, सुना रहे हैं, तभी कुछ जानकारी मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी? या माइंड स्पेकुलेशंस करते हैं लोग उनके द्वारा, या अपनी फिलॉसफी जड़ते हैं लोग उनके द्वारा, आडंबरियों के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हो, भला कैसे संभव है? नहीं संभव है। स्वयं भगवान के शब्दों से जानने की कोशिश कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। पवित्रता का कहिए कि पवित्रता की प्रधानता है मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, और कोई मार्ग नहीं है। पवित्र ही आगे कदम बढ़ा सकता है, पवित्रता ही पंख फैला के उड़ सकती है। अगला स्टेप है नियम का, संतोष। संतोष बड़ा खजाना है, बड़ा वैभव है। किसी ने कहा है, किसी संत के वचन है कि गोधन गजधन बाजधन, ये धन है सब, गौ हाथी घोड़े भेड़ बकरी, ये पुराने जमाने में इनको ही धन कहते थे। एक दूसरे से पूछते थे कितने धन है आपके पास, भाई मेरे पास 20 हैं, 50 हैं, ये धन है सब, घोड़े हैं, हाथी हैं, गाय हैं, बैल हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, गोधन गजधन बाजधन, बाज यानी घोड़े, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और रतन और सारे प्रकार के रत्न हैं, हीरे पन्ने जवाहरात मुक्ता माणिक मोती इत्यादि, कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, पायो रे जब संतोष धन बाबा सब धन धूल समान। इस संतोष धन की ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों, प्रिय श्रोतागणों, स्वागत है आपका भागवत गीता के सत्संग में। श्रीमद् भागवत गीता इतना परिपूर्ण शास्त्र है धरती के ऊपर कि इसको मनुष्य अपने जीवन में उतार ले। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए पथ पर चल पड़े तो परम धनी परम धनाढ्य बन जाता है, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब स्वयं भगवान ध्रुव महाराज को मिले तो उन्होंने कहा कि मैं भक्त ध्रुव बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या पर, तुमने सतत मेरा स्मरण किया है। समाधिस्थ होकर एक टांग के ऊपर खड़े होकर यमुना नदी के किनारे इस बीहड़ जंगल में जहां सिंह और जंगली जानवर दहाड़ते हैं, डरावनी आवाजें करते हैं, इस छोटी अवस्था में मैं खुश हूं। मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव महाराज तो स्तुति भी करना नहीं जानते, 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करे, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से उनके गाल को अपना शंख स्पर्श कर दिया तो उनको सारे वेद मंत्र प्रार्थनाएं उनको हृदय में प्रकट हुई उनके में, और भगवान की स्तुति करके यही कहा कि भगवान आप स्वयं साक्षात मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे हैं। फिर संसार में ये दोनों जहां में कौन सी वस्तु है जिसे मैं आपसे मांग लूं। नहीं भगवान, मैं पूर्ण संतोषी हूं, संतुष्ट हूं, मुझे आपके श्री चरण कमल चाहिए, आपकी प्रेम भरी सेवा चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कहा फिर भी जब महल छोड़े थे और माता से आशीर्वाद लेके वन में आए थे मेरा भजन करने, तब तुम्हारे हृदय में थी एक अभिलाषा। नारद ऋषि ने काफी प्रयास किया था तुम्हें वापस लौटाने का, लेकिन तुम नहीं गए। वो अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तुम मुझे मेरी सहायता लेना चाहते थे। अपने पिता उत्तानपाद के राज्य में से आधा राज लेने के अधिकारी हैं और लेना चाहते थे उस राज्य को, वो क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं मुझसे मदद लेते। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम धरती पर 36,000 वर्ष तक चक्रवर्ती सम्राट की तरह राज की स्थापना करो, शासन करो, फिर मेरे धाम को आना। नहीं भगवान, मुझे क्यों 36 वर्ष तक इस संसार में उलझाते हैं, वो तो मेरी अबोध अवस्था की मांग थी, अब नहीं है, क्षमा कर दो। नहीं ध्रुव, तुम शासन करते हुए मेरी सेवा करना, वो मेरी सेवा ही होगी और सदैव
मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। ये संतोष वस्तु ऐसी है जिससे स्वयं भगवान को उतर के नीचे आना पड़ता है। संतोष आपको परमेश्वर से मिलाता है। ये धन है, ये दैवी संपदा है। संतोष सेटिस्फैक्शन आपको जो कुछ मिला है, जिस प्रकार से रह रहे हैं उसमें संतोष, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना। अपने कर्म करते हुए, ये नहीं कि आपने कोई गरीब खाने में जन्म लिया है तो आप जिंदगी भर संतोष ही बन जाओ, गरीब ही बने रहो, नहीं, ये तो लेजीनेस है, ये तो चैतन्यता नहीं है, ये तो मूर्छित अवस्था है कि आप अपने घर को भी सुधार नहीं सकते, बना नहीं सकते, उजला नहीं कर सकते, खिड़कियां नहीं लगा सकते जिससे प्रकाश आए, शुद्ध हवा आए। ये तो तमोगुण है, अंधकार है, लेजीनेस नहीं। भगवान ने कर्म दिया है, कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए अर्जुन को तो कर्म योग का पूरा उपदेश कर दिया कि कर्म नहीं करेगा तो खाएगा क्या, तेरा पेट कैसे भरेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस शरीर को चलाने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए, बारिश से, धूप से सुंदर मकान बनाना, इत्यादि इत्यादि सारे साधन जुटाना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए समस्त वैभव जुटाना, राजा बनना इस देश के, सम्राट बनना, गरीब नहीं, झोपड़ी में पड़े रहने के लिए नहीं। दरिद्रता ओढ़ने के लिए नहीं, नहीं, कर्म, कर्म का जो फल आ जाए उसके अंदर संतुष्ट रहना और फिर कर्म करते रहना, यह सच्चा पथ है। ये गीता में भगवान ने बोला है। तो नियम के अंदर सोचम, सोच पवित्रता और संतोष, तीसरे नंबर पर आता है तप। ये जहां से भी ये शब्द अष्टांग योग से बोले जा रहे हैं, भगवान ने इनको और भी विस्तार से आगे चलकर बोला है। तप यानी परिश्रम, उस परमेश्वर को पाने के लिए जो परिश्रम किया जाए, सेवा की जाए, भक्ति, वो तप है। विशेष करके हमारे कर्म तीन प्रकार से बनते हैं, तो कर्मों में शुद्धिकरण हो जाए तो सारा खेल, सारी समस्या हल हो जाए। कर्म ही तो है जिनका हम फल भोग रहे हैं। कर्मों के कारण ही एक व्यक्ति ऊंचे पद पर है, कर्मों के कारण ही एक व्यक्ति नीचे पद पर है। कर्मों का ही तो खेल है, इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस्फल चाका। कर्मों का ही लेखा जोखा है, तो कर्मों में सुधार आ जाए तो सारी समस्या का हल हो जाए। इसलिए इस विषय में पूर्ण रूप से समझने के लिए कर्म तीन प्रकार से बनते हैं। मन से कर्म बनता है, आदमी मन से विचार दौड़ाता है, चित्त में विचार उठते हैं, भले उठते हैं या बुरे, ले उठते हैं, ये कर्म करते हैं। बुरे उठते हैं, किसी की मन ही मन अंदर निंदा चल रही है, जलन चल रही है, किसी को शाप देने लगे हुए हैं, किसी का बुरा सोचने लगे हुए हैं, ये कर्म चल रहा है आपका। ये अच्छे विचार चलते हैं दूसरे पलड़े में, किसी को आशीर्वाद देते हैं, सबका भला चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, कश्चित् दुःख मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेदों की वाक्य है, प्रार्थना है वेदों की, कि हे प्रभु संसार में सब सुखी हो। कितनी शुद्ध हृदय से प्रार्थना की है,
किसी भक्त ने भगवान से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सभी निरोगी हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, और मैं सभी को भद्रता से व्यवहार करूं, अच्छी नजरों से देखूं, बुरी नजरों से नहीं, सबके दुखों को मैं अपने ऊपर ले लूं, दूसरों को कष्ट न आने दूं, दूसरों के दुखों में मैं भागीदार बन जाऊं, उन दुखों को मैं उठ लूं, ऐसे शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है। तो ये मन से विचार, मन के कालम चित्त में विचार चलते हैं तो कर्म बनते हैं, इसका फल आता है। एक्शन करते हैं विचारों के द्वारा, एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है, उसका हमको प्रतिफल मिलता है। अच्छे विचारों का अच्छा फल मिलता है, बुरे विचारों का बुरा मिलता है। दूसरे नंबर पर वाणी से हम कर्म करते हैं। वाणी से एक बड़ा मालिक, जो मिल का मालिक है, वो वाणी से ही कर्म करता है। रामलाल को उधर लगाओ, सुआलाल को उधर लगाओ, प्यारे लाल को इधर ड्यूटी संभालने दो और तुम उधर जाओ, तुम बाजार में मार्केटिंग के लिए जाओ, 10 ट्रक आए कि नहीं कॉल करो। सब वाणी से कार्य चल रहा है। एक वाणी के अंदर इतना पावर है, इतना बड़ा कर्म कर सकती है वाणी, कि एक देश को दूसरे देश से लड़ा सकती है। युद्ध आरंभ किया जाए, इतनी बोलने की जरूरत है बस, तो भिड़ गए दो देश, मर गए लाखों। वाणी से भी कर्म होता है, अच्छा बुरा। फिर अपने शरीर से कर्म होता है। शरीर में इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सभी तो कर्म करती हैं। यहां तो कर्मेंद्रियां भी कर्म करती हैं। पांव है, लात मार दो किसी को, ठोकर मार दो किसी को, कर्म होता है। यदि या इन्हीं पांव से चल करके तुम कोई पुण्य कर्म करने जाओ, यात्रा करने निकलो, धर्म तीर्थ स्थानों की, संत पुरुषों के दर्शनों को निकलो, कर्म कर रहे हैं, पांव हाथ भी कर्म कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, माता पिता के चरण दबा रहे हैं, ये सब कर्म चल रहा है। तो ये फिजिकली शरीर से कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है। मुख्य रूप से 3 फैकल्टी इसमें की है। तो ये कर्मों को तीनों फैकल्टीज के ऊपर या इन तीनों स्थानों को प्योरीफाई करने के लिए तप है। नियम के अंदर 3रा चरण तप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से तीनों प्रकार के तप के बारे में समझाया है अर्जुन को, आगे चल करके इस गीता में, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। पहले शरीर का तप बतलाया है, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्चते। ये शरीर के तप बोले हैं। देव कौन? देव श्री कृष्ण परमेश्वर। देव द्विज, जिनका दूसरा संस्कार हो गया है, सन्यासी हैं, ये ब्रह्म दीक्षा जिनका हो गया है, ब्रह्म संस्कार जिनके हो गए हैं। द्विज देव द्विज गुरु, हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको भगवान के चरणों में डाला है, शरणागति लेना सिखलाया है, भगवान की सेवा सिखलाई है, ज्ञान उपदेश किया है, सतमार्ग दर्शाया है, ऐसे गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। देवदेश गुरु प्राग प्रज्ञा पुरुष महापुरुष, भगवान के भक्त, जिनका जिनको ज्ञान उदय हो गया है, जो भक्ति में लग गए हैं, जो साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा, इनका पूजन करना चाहिए।
इससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम प्रज्ञा पुरुष महापुरुष भक्त सोचम आर्यम या सोचम फिर आया, तब के अंदर भी सोच समाया है, तभी तो आपकी ये तीनों स्थान पवित्र होंगे, मन शरीर और वाणी पवित्र हुए बिना तो कुछ बनता नहीं। पवित्रता पे अधिक बल है, पवित्र होगा वहीं तो परमेश्वर आएंगे। अब पवित्रता में क्यों भगवान जाए, अपवित्रता में तो भूत पिशाच चुड़ैल डायन निवास करती है, गंदे पुरुष निवास करते हैं, भगवान का क्या काम वहां पर। जब दुर्गंध मच रही है वहां, कुत्ते सड़े कुत्ते आवारा कुत्ते या गंदे मसान मसानी बाबा वहां निवास करते हैं, भक्त लोग नहीं, भगवान नहीं। दिव्य गुण वहां कैसे प्रकट होंगे जहां अशुद्धता है। शुद्धता शौचम आर्जवम सरलता, हृदय की सरलता, सिंपल सिटी, जैसे अंदर है ऐसे ही बाहर, मुखौटे लगा के सड़क पर नहीं चलना, चाल में कुछ अकड़, पैसे की अकड़, पद की अकड़, क्रीज कुर्ते की अकड़, रूप की अकड़, धन की अकड़, पकड़ की अकड़, जो जो पकड़ लिया है उस पर अकड़ रहे हैं। जैसे चूहे को सुपारी मिल गई तो पंसारी बन बैठा, कहावत है, तो पकड़ की अकड़ छोड़ देना। मिल गया है रूप, मिल गया तो कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल सिटी, सरलता, आपके हृदय में सरलता होनी चाहिए। है? सरल भक्त भगवान के हृदय में वास करते हैं, स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं, गीता में कहा है, आर्जवम सरलता। देवदीश गुरु प्राग पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्चते। देखिए इस शरीर के तप में ये चीजें समाई हुई हैं, जो यवन नियम के अंदर भी उनका उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की साधना करना, ब्रह्मचर्य रहना, एक पति एक पत्नी के साथ संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संसर्ग करता है, संपर्क स्थापित करता है, विषय भोग में उतरता है, संसार के मजे लूटने नहीं, फिर वो कैसे भगवान को प्रसन्न करेगा, कैसे योग साधना करेगा, कैसे उसके शरीर में शक्ति रहेगी यदि उसने वीर्य को क्षीण कर दिया रात और दिन, तो उसकी तो बुद्धि भी क्षीण हो जाएगी, मनोबल भी गिर जाएगा, आत्मबल भी गिर जाएगा, उसके अंदर क्रूरता प्रवेश कर जाएगी, नफरत घृणा प्रवेश कर जाएंगी, सारे अवगुण प्रवेश कर जाएंगे। ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है, कोई महाव्रत लेता है अखंड ब्रह्मचर्य का, वो भी सत्य है, उसको अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करता है, सन्यास लेता है, बाल ब्रह्मचारी रहता है। कोई व्रत लेता है कि मैं मेरी पत्नी के साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो भी ब्रह्मचारी है। लेकिन वैश्यगामी को ब्रह्मचारी कैसे कहोगे, या भोग वासना में उलझे रहने वाले को, जैसे हस्तिनापुर के नरेश, टीवी के शिकार बन गए थे, टीवी क्षय रोग के, अपनी रानियों में उलझ करके। ब्रह्मचर्य जरूरी है, फिर अहिंसा भी जरूरी है, इस विषय में बोले अहिंसा। शारीरम तप उच्चते, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप, ये शरीर के तप है, इससे शरीर पवित्र हो जाता है, शरीर में दिव्यता आ जाती है। फिर वाणी का तप है, इसलिए से मैं कहा है अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलिए जो आपको भी प्रसन्न करें और दूसरे को भी प्रसन्न करें, वरना मत बोलिए।
कोई जरूरी थोड़ी है बोलना, नहीं। ऐसे वाक्य बोलिए जब बोले तब, जो औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, जो मन के अहंकार को दूर करती हो। ये मैं कैसा है, अरे मैं सब ठीक हूं, तू कैसा है, नहीं, ये गवार घेसड़ा नहीं। मीठी वाणी बोलिए, उस वाणी में मधुरता हो, वाणी के साथ साथ भगवान का भी कोई नाम उच्चारण किया हो, भगवान की कृपा है। कैसे हैं जी? बस प्रभु की कृपा से ठीक हूं। आप सुनाइए आप कैसे हैं? दोनों को खुशी मिली, आपको भी, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी। अनुद्वेग, किसी को उद्वेग अग्रसर एग्रेसिव नहीं किया, कोई चोट आघात नहीं किया हृदय पर, किसी के हृदय पे लात नहीं मारी शब्दों से, नहीं। सिंपल मृदुल भाषा, मीठी भाषा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो दूसरे को भयभीत नहीं करते हो, डराते नहीं हो, तकलीफ दुख नहीं देते हो, हृदय को सता दुखाते नहीं हो, ऐसे शब्द बोलिए। प्रयास कीजिए, अभ्यास से ही तो सब कुछ प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्ति चेतसा अनान्यगामिना, ये चित्त भी अन्यत्र नहीं भटकता यदि अभ्यास किया जाए, एक जगह स्थिर हो जाता है, भगवत सेवा में, भगवान के चरणों में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। अभ्यास कीजिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी होने चाहिए, जो वाक्य बोल रहे हैं मधुरता से वो सत्य भी होने चाहिए। सत्य नहीं है तो फिर झूठा मीठापन, नेताओं वाली वाणी नहीं कोई काम की। कि प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी माताओं, अब तक जो नहीं किया वो मैं अब करूंगा, अब तक जो नहीं हुआ मैं करूंगा। घर में नल आ जाएंगे, बिजली के बल्ब आ जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, आपके बच्चों की नौकरी, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, वोट मुझे ही देना, वोट मुझे नहीं। ये वाणी का कोई महत्व नहीं है, ये वाणी तो चीटर्स की वाणी है, धोखेबाजों की वाणी है, जो इस वाणी को बोल के फिर कुछ नहीं करते, इसमें सत्यता नहीं दर्शाते। सत्यता है वह सत्यता है, अगर इस वाणी में सत्यता है तो परम सत्यवाणी है। वाणी में सत्यता होनी चाहिए, आडंबर नहीं, धोखाधड़ी नहीं, चापलूसी नहीं, कि बॉस से अंदर तो पता नहीं कृपाण है और बॉस के सामने हाथ जोड़ के मीठी मीठी बातें करी, ये चापलूसी नहीं, ये तो वाणी का तप नहीं है, ये तो तुम भटक रहे हो कहीं अंधेरे में। चापलूसी तो परमात्मा की भी करने की आवश्यकता नहीं है। वेणुं क्वणन्तं अरविन्दालाय ताक्षं, जो है वैसे के वैसे कहना। कृष्ण के हाथ में वेणु है तो वेणु कहना, और बंसी है तो बंसी कहना, और मुरली है तो मुरली कहना। कृष्ण रूपवान लग रहे हैं आपके हृदय को, वो बेशक कितनी रूपवान हो, परम रूपवान हो, लेकिन आपके हृदय को रूपवान लग रहे हैं या नहीं वो ही कहना। उनके नेत्र कमल दल जैसे लग रहे हैं या नहीं, लग रहे हैं तभी कहना। मूर्ति के नेत्र किसी धातु से ही बनाए हुए होते हैं और आप कह रहे हो आपके नेत्र कमल नेत्र हैं, पंडित जी ने सिखाया था कि ये प्रार्थना करना, लेकिन आपको तो लग नहीं रहे ना कमल नेत्र। कमल नेत्र कैसे लगेंगे,
नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जैसे लगे वैसे ही कहना कि पंडित जी ने तो कहा था कि आप कमल नेत्र हैं, लेकिन मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि ये तो किसी धातु से बनाए हुए नेत्र हैं, इनमें ना रोशनी है, न इधर उधर घूम फिर सकते हैं, ना इनमें देखने को कोई नजरिया है, ये तो पत्थर की तरह ही लग रहे हैं, यही कहना। यानी सत्यता होनी चाहिए बात के अंदर, तो भगवान आपका साथ देते हैं, आपके मददगार बनते हैं, आपको आगे का रास्ता दिखलाते हैं कि कैसे ये पत्थर जैसे लगने वाले नेत्र तुमको फूल जैसे लगने लगे, कमल के फूल जैसे, कमल की पंखुड़ियों जैसे, करुणा भरे, दया भरे। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो प्रिय भी हो और दोनों के हित में हो, कहने वाले के हित में भी और सुनने वाले के हित में भी। स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमयम तप उच्चते, तो फिर वाणी स्वाध्याय, अपनी जबान से स्वाध्याय, अपना अध्याय खोल लेना, आत्मा का अध्याय, मन का अध्याय तो खुला रहता है आपका, सदैव संसार में भटकता है मन, या सेंस इंद्रियां अपने अपने विषय पर जाती हैं, मन ले जाता है इनको, लेकिन स्व अध्याय यानी स्वयं मानी आप खुद, स्वयं आप खुद का अध्याय, आत्मा का अध्याय, जिससे आत्मा का कल्याण होता हो, आत्मा प्रसन्न होती हो, आत्मा में पवित्रता झलकती हो, आत्म अनुभूति होती हो, ऐसा अध्याय खोलना, वो चाहे भगवान का पवित्र नाम का जप हो या भगवान का कीर्तन हो, ढोलक बजा के, मृदंग बजा के, करताल बजा के, या कोई शास्त्र का अध्ययन हो जो भगवान की याद स्मृति ताजा करवाता हो, यह वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चयो वांगमयम तप उच्चते, ये वाणी का तप है। तीसरी फैकल्टी है मन, मन भी कर्म करता है तो इसको भी तपाना है, तो इसको तपाए कैसे, मन है प्रसाद है सौम्यत्वम। कृष्ण कहते हैं कि जो आपका सौम्य स्वभाव है, सरल स्वभाव, जेंटलनेस, सबको प्रिय लगने वाला स्वभाव, आपका व्यवहार उचित व्यवहार, मृदुल व्यवहार, जेंटल व्यवहार, जेंटल बिहेव, यह आपके मन को प्रसन्न करता है। आप जितने जेंटल होंगे उतने मन प्रसन्न होंगे, जितने भद्र पुरुष होंगे उनका मन प्रसन्न रहता है सदैव। मन है प्रसादा, मन की प्रसन्नता देने वाला तो आपका भद्र व्यवहार है,